फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ कि खांडवे गुजराती कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी बेसन लिया है और ये एक कटोरी दही है खट्टी वाली, और ये हरी मिर्च है एक कटी हुई, और ये एक इंच अदरक का टुकड़ा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने ये मिक्सी का जार लिया है। अब इस कटोरी के बेसन को डालेंगे इसमें, और ये हरी मिर्च भी इसी में ऐड करते हैं, और ये अदरक का टुकड़ा जो लिया है हमने एक इंच का, ये भी इसी जार में डालते हैं। और यहाँ पे डालते हैं दही, थोड़ी सी हींग डालते हैं, अपने स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, और इसका अब हम पेस्ट बनाएंगे। हम जार को खोल के देखते हैं तो हमारा ये पेस्ट बनके तैयार है। अब हम इसे खिलाते हैं बाउल में। खिला लिया है, अब हम इसमें ऐड करते हैं 2 कटोरी पानी। 1 कटोरी हमारा बेसन था तो हमने यहाँ पे 2 कटोरी पानी ऐड कर दिया है, और इसको करते हैं मिक्स। यहाँ पे हमने पैन लिया है, अब इसमें लगाते हैं हम ऑयल, और इसको टिशू या टॉवल के इसे पोंछ देंगे। अब डालते हैं इसमें बैटर, जितना हमारा बैटर पतला होगा उतनी ही हमारी ये खांडवी अच्छी बनेगी। अब गैस को कर देंगे हम हाई, और ये जो हमने पैन रखा है इसे इस पे रखेंगे, और इसे हम 3 मिनट तक इसी हाई फ्लेम पे बनाएंगे के देखते हैं कि हमारी खांडवी कैसी बनी है। वाओ, तो हमारी खांडवी बन चुकी है। अब हम गैस करते हैं बंद, इसे अब हम पंखे में ठंडा करते हैं। तो यहाँ पे हमारी खांडवी बन के तैयार है और ठंडी भी हो गई है। अब हम इसे कट करते हैं। ये इसे कट कर लिया है, अब हम इसे रोल करते हैं। अब हम इसके ऊपर डालते हैं कच्चा नारियल, देख लेंगे, और ऊपर से हरा धनिया। अब हम बनाते हैं इसका तड़का। इसमें ऐड करते हैं सरसों का तेल, जीरा। तो हमारी जीरा ये भून चुका है, अब डालते हैं हम हरी मिर्च। ये तड़का डालते हैं इस पे। तो बताइए आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी, हमारी खांडवी कैसी बनी है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।